वेलकम टू माय चैनल लव गार्डन। ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जो हमारे घर के आसपास देखने को मिलते हैं और जिनके बारे में हम नहीं जानते। आज मैं आपको ऐसे ही एक पौधे की जानकारी दे रही हूँ जिसका नाम है पत्थरचट्टा। आयुर्वेद में पत्थरचट्टा का प्रयोग अनेक तरह की औषधियाँ बनाने में किया जाता है। पत्थरचट्टा का पौधा जितना देखने में खूबसूरत होता है उससे ज़्यादा ही वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। पत्थरचट्टा को एयर प्लांट, कैथेड्रल बेल्स और लाइफ प्लांट और मैजिक लीफ के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे भस्म पत्थरी, पाषाण भेद और पड़पुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है ब्रायोफिल्म। अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, खास तौर से किडनी में स्टोन है, तो पत्थरचट्टा की 2 पत्तियों का सेवन खाली पेट गुनगुने पानी से करने से स्टोन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वैसे तो बहुत से समस्याओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका यूज़ स्टोन के लिए किया जाता है। इसे घर पर आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके पत्ते को मिट्टी में डाल देने से ही प्लांट तैयार उग जाता है। इसे किनारे किनारे से, पत्तियों के किनारे से नए प्लांट आते हैं। ये एक सेक्युलेंट फैमिली का प्लांट है और इसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसे किसी भी तरह के सॉइल में लगा सकते हैं। ये इंडिया के लगभग सभी स्टेट में पाया जाने वाला प्लांट है। इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी इसको आप घर में लगा सकते हैं। आपको ये प्लांट नर्सरी में भी मिल जाएगा। वैसे जो आप प्लांट देख रहे हैं उसको मैंने छोटा सा प्लांट मैं कहीं से लाई थी। ये पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और छोटा सा प्लांट लगा देने पर भी ये बहुत ढेरों प्लांट में बदल जाता है। इसे किसी भी सॉइल में लगा सकते हैं और इसे किसी भी टेम्परेचर पे रखा जा सकता है। पत्थरचट्टा का प्लांट पेरेनियल प्लांट है। इसे वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाना चाहिए। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं या आपका कोई इलाज चल रहा है तो बिना डॉक्टर की सलाह से इसे न लें। इसकी 2 पत्तियों से ज़्यादा पत्तियों का यूज़ ना करें क्योंकि इसका ओवरडोज भी सही नहीं है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। मेरे चैनल और लव गार्डन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।